कुछ दिन पहले रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसानों पर जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, उसके विरोध में बुधवार को कांग्रेस द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए गए और अंबाला में भी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां पर किसानों ने उनका भारी विरोध किया था। उनके विरोध को उग्र होते देख हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कई किसानों को चोटें भी आई थी और इस घटना के बाद से ही किसानों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इसके विरोध स्वरूप किसानों ने हरियाणा में कई जगह रोड जाम भी किए थे। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने हरियाणा में सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध में प्रदर्शन किया। अंबाला में भी कांग्रेस नेताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उपायुक्त महोदय को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के निर्देश पर पूरे हरियाणा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपे गए। हरियाणा कांग्रेस कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने कहा कि हमारे किसान भाइयों को दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष करते हुए 4 महीने हो चुके हैं, जिससे 300 से ऊपर किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा है। रोहतक में निर्दोष किसानों पर जो लाठीचार्ज किया गया, उसमें जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा जो सत्ताधारी नेता किसानों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और किसके नाम ज्ञापन दिया गया? देखिए, जो हमने आज ज्ञापन दिया है पूरे हरियाणा में हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के निर्देश पर और हमारे जो प्रभारी हैं श्री विवेक बंसल जी, उनके निर्देश पर पूरे हरियाणा में जो रोहतक में 3 तारीख को निर्दोष किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरुद्ध ये ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर सौंपा है। हमारी इसमें 3 मुख्य मांगे हैं। जहां एक ओर बॉर्डर पर हमारे अन्नदाता किसान भाई लगातार पिछले कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, 4 महीने से ऊपर हो गए हैं और 300 से ज़्यादा किसान भाई वहां पर शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ यहां जो प्रदेश की जो सरकार है, इनका रवैया बड़ा गैर जिम्मेदाराना है। जिस प्रकार रोहतक में इन्होंने 3 अप्रैल 2021 को निर्दोष किसानों पर लाठीचार्ज किया, तो हम ये मांग करते हैं जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करके तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरी हमारी ये मांग है कि जो यहाँ हमारे प्रदेश के नेता हैं सत्ताधारी, जो किसानों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, उन पे भी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, उनको रोका जाए कि इस प्रकार से जो शांतिपूर्वक हमारे किसान भाई प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। तीसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे प्रदेश के जितने भी सत्ताधारी जो नेता हैं या बड़े नेता हैं, वो किसान जो केंद्र सरकार है उस पर ये दबाव डालें कि ये 3 काले कानून तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएँ। मैं नहीं समझता कि किसान भाई कहीं उग्र हो रहे हैं। अगर किसी को देखिए, हिंसा के पक्ष में हम लोग भी नहीं हैं, लेकिन अगर किसी को भड़काया जाएगा कहीं ना कहीं रिएक्शन तो स्वाभाविक है। हिंसा को हम बढ़ावा नहीं देते, ना ही हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन निर्दोष किसान जहां एक तरफ वहां बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर या जगह जगह काफ़ी किसान भाई उन्होंने आत्महत्या जैसा भी कदम उठाया है, तो इसके प्रति जो असंवेदनहीनता केंद्र सरकार की है, हमारे यहाँ नेताओं की है, भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्वाभाविक तौर पर रिएक्शन तो होते ही हैं। जैसे किसान आंदोलन 4 महीने से ऊपर चल रहा है, विपक्ष में कांग्रेस है, क्या आपको लगता है कांग्रेस कमजोर है विपक्ष के तौर पर कि दबाव नहीं बना पा रही सरकार पर? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये आंदोलन 4 महीने से नहीं चल रहा, 4 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है। ये आंदोलन लगभग 7-8 महीने से ऊपर हो गए हैं, तब से चल रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते इस आंदोलन को, क्योंकि ये काले कानून हैं, किसानों के विरुद्ध, आम जनता के विरुद्ध है, उनका बिल्कुल हम किसानों का साथ दे रहे हैं। मुख्य
ब्रेकिंग न्यूज, राज बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।